अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत अच्छे हैं। और आज है सैटरडे, और वैसे भी आप लोगों को पता है सैटरडे संडे लॉकडाउन रहता है। तू भाग मत, तू भी आना, तेरा भी इंट्रोड्यूस कराना ही है। ये नू आज आया है घर पे नुमान, क्योंकि पिछले वीडियो में आप लोगों ने बहुत बोला था कि नुमान किधर है, नुमान तेरे को बहुत मिस कर रहे थे सभी। हाँ, क्या कि नुमान कहाँ है, मतलब जब ओवेज आया था ना तब लोगों को सबको लगा था कि तू आ रहा है, बट कंफ्यूज हो गए थे। बट नुमान तो पास ही में रहता है, वो कभी आना जाना रहता है, तो आया है सैटरडे संडे, उसकी भी छुट्टी है काम। तो अभी हम जा रहे हैं दोनों बाहर। एक्चुअली हम फरा को भी लेके जाने वाले थे, बट फरा की तबीयत थोड़ी डाउन है आज, तो इस वजह से फरा आज नहीं आ रहे, तो हम दोनों जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो नुमान कुछ बोलने वाला है, कहाँ पे जा रहे हैं अभी हम? क्योंकि नुमान बहुत दिन से हमें बोल रहा था कि मामू चलो ना बाहर जाएंगे, फोटोशूट को जाएंगे या वीडियो निकालने जाएंगे। तो वो मैंने बोला जब तेरी छुट्टी होगी तो तब आ जा, तो बोला सैटरडे संडे वैसे भी मेरी छुट्टी रहती है तो मैं आ जाऊँगा। तो आज आया है, हम जा रहे हैं। एक्चुअली फरा का भी प्लान था, लेकिन एक्चुअली थोड़ा उनकी तबीयत ठीक नहीं तो वो नहीं आ रहे, हम ही जाने वाले हैं। तो अभी निकलते हैं, और अभी बज रहे हैं 5:30 बजे, क्योंकि जल्दी जाते हो ना, अंधेरा होगा तो फोटो वोटो अच्छे नहीं आएंगे, है ना। तो क्या हुआ, वहाँ पे क्यों जाके बैठे? देखो वहाँ पे जाके बैठे अकेले। आज फरा चुप रहे हमारे से। तो हम आए हैं अभी ब्रिज पे, क्योंकि नुमान को यहाँ पे वीडियो शूट करना था, फोटो निकालना था, तो इसलिए आया। लेकिन अभी मौसम तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बारिश आ जाएगा, देख सकते हैं कितना ये लग रहा है ना अभी। और अभी हम सोच रहे हैं कि नीचे जाके थोड़ा वीडियोज बनाना, यहाँ पे आज बहुत पब्लिक दिख रही है तो उससे डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि जो वीडियो बना रहा है उसको आवाज़ ही नहीं आ रही है वॉइस की, तो इसलिए अपने को अभी नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे एकदम अच्छा लग रहा है ना। तो पानी के पास जाएंगे क्या? हाँ पानी के पास जाएंगे। चल तो जल्दी उतर ही जाएंगे। अभी आ गए हम नीचे ऊपर से, क्योंकि इधर पीछे ही रास्ता था। हम कब से देख रहे हैं कि कहाँ से जाना है करके, तो किधर बनाता है आप देख ना ऊपर, चील कितने घूम रहा है। आई थिंक वहाँ पे कुछ गोश्त वोश रहेंगे नीचे, इसलिए इतना ही हो रहा है। अच्छी बिच्छी दिख रही है, सीन देखना कितना अच्छा लग रहा है। मच्छी मतलब नहीं रहे, इतना पानी ज्यादा नहीं रहेगा यहाँ पे, जैसे बारिश नहीं आना मुमकिन नहीं। बारिश तो आ रहा है, थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही है, फिर भी जल्दी से बनाते हैं और निकलते हैं। अभी हम दोनों फंस गए हैं, मैं और नुमान यहाँ पे आके, क्योंकि बारिश इतना जोर से स्टार्ट हुआ। दिखा ना नुमान पीछे बारिश, थोड़ा पूरा बारिश यहाँ पे आ रहा है, और ना अभी यहाँ से जाएंगे तो हम भीग ही जाएंगे, यहाँ से दिखेंगे ना बारिश। ये सब लोग भी आ गए अभी काम वाम जो कर रहे थे बारिश की वजह से, और हम दोनों भी यहीं पे फंस गए वीडियो बनाते बनाते, तो यहीं पे रुक के हम दोनों वीडियो भी शूट कर रहे हैं। तो जैसे ही बारिश कम होता है फिर निकलते हैं घर पे, बारह भी घर पे अकेले हैं, उनको भी कुछ मुझे लेके जाना है खाने का, देखते हैं अगर बाहर से कहीं कुछ मिलता है तो लेके जाएंगे। जब तक बारिश नहीं रुकता यहीं पर हमें वेट करना होगा, क्या बोलते नुमान? हाँ नुमान को भी कॉल आ रहा है कि अम्मी का, वो बोला कि हम यहाँ पे फंस गए बारिश की वजह से। हाँ कितना बराबर मेरा टाइमिंग है घर पे आने का। घर पे आया और जैसे ही वो शोरमे का ऑर्डर दिए थे हमने दोपहर में, तो वो मेरे को कॉल आया, मतलब मैं ऊपर चढ़ के आया तो वो नीचे रुके थे, फिर मेरे को वापस जाके वो लाना पड़ा। और बारिश भी आप देखा ना, बारिश भी कैसी थी, तो इस वजह से जैसे ही बारिश रुकी तो मुझे नुमान को घर पे छोड़ के आया मैं, वरना और ज़्यादा रुकते थे तो और ज़ोर से बारिश आती थी, क्योंकि अभी भी थोड़ी थोड़ी आ ही रही है। तो हम बोले कि चले थोड़ा भीग तो लेंगे, पर यहाँ पे वेट नहीं कर सकते, तो अभी आ गए तो जल्दी से शोरमा खाते हैं और बातें करते हैं। कैसे बेटा शेरो? क्या बेटा सिर्फ माँ आने की देर है? हाँ अच्छी बात है शेरो, जैसे मैं आया ना ऐसे चिपक के बेटा, क्या हुआ? हाँ अच्छा भूख लगी? हाँ अस्सलाम वालेकुम। तो आज समीर बाहर गए थे घूमने के लिए मुझे छोड़कर। छोड़ के नहीं गया मैं, क्योंकि इनका तब उस टाइम सर दुख रहा था, तो ये खुद बोलेगी आज मेरे से नहीं होगा, तो फिर हाँ, तो आज कैसा है, आज नुमान था साथ में तो मैं बोली जाकर आ जाओ, तो नुमान भी था तो वो भी आया था, उसको भी फोटोज और वीडियोज और शूट करना था, तो उसने बोला चलो ना मामू जाके आएंगे, मुझे भी सैटरडे संडे ही छुट्टी मिलती है, तो मैंने बोला ठीक है आ जाए घर पे, तो आ गया था। तो हमने सोचा तीनों भी चले जाएंगे, लेकिन फरा का सर दुखने की वजह से वो नहीं आए, तो हम ही गए, हम ही जाके मैंने उसके फोटोज वीडियो जो भी शूट किया, और मैं भी खुद भी शूट किया, मेरे भी वीडियो जो कि रील्स बनाने के थे वो भी बनाया, लेकिन बारिश जो कि माशाल्लाह बहुत अच्छा, आज का क्लाइमेट एक्चुअली बहुत अच्छा था बाहर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरा सर पेन हो रहा था, इसके लिए फिर मैं नहीं गई और मैंने ये एंजॉयमेंट पूरा बर्बाद कर दिया। फिर आते आते मैंने इनको कॉल भी किया था वापस से, अगर आपको गोली चाहिए तो बोलिए।
मैं लेके आऊंगा। तो इन्होंने बोला नहीं अभी थोड़ा मेरे को आराम लग रहा है क्योंकि ऑलरेडी घर पे गोली थी तो मैंने वो ले लिया है। तुम आ जाओ अभी जल्दी से क्योंकि बारिश आ रहा है। तो जैसे ही बारिश शुरू की तो हम आ गए, फिर मैंने नुमान को घर पे छोड़ा। और जैसे कि आपने देखा जैसे ही मैं आया तो शोरमा आया, फिर हम शोरमा वरमा खाए। और आज सैटरडे पता नहीं इतना बोर हो रहा है ना हम दोनों को आज, मेरा तो दिल बिल्कुल नहीं लग रहा। और उसमें आज हम मम्मी के घर पे भी नहीं गए, अभी सही बात है रोज रोज नहीं, समीर का काम भी था तो फिर नहीं पॉसिबल होता है, लेकिन जैसे पॉसिबल होता है वैसे तो ये मुझे लेकर ही जाते हैं ताकि घर में मैं बहुत बोर हो जाती हूँ। दिन भर घर में ही पैक रहते हैं, मैं कहीं बाहर भी नहीं जाती हूँ, दरवाजा खुलता भी नहीं है हमारा जब तक हम दोनों बाहर नहीं निकलते। ऐसा है हमको ना, मुझे आदत है बाहर जाने की ना, वो भी ज्यादा फ्रेंड्स वगैरह ने उनका भी काम भला, अपना मेरे साथ में बस टाइम स्पेंड करते हैं। बट आज ही नहीं बट जब भी सैटरडे संडे आता है ना तो बहुत बोर हो रहा है क्योंकि बाहर भी जाने नहीं मिलता है। और शाम में तो मैं गया था बट ये तो नहीं गए, इनको तो बहुत ज्यादा बोर हो रहा है। और जैसे जैसे टाइम जा रहा है और अभी बज रहे हैं रात के 10 बजे और बहुत बोर हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कब रात खत्म होगी, कब नया दिन आएगा, कब बाहर जाएंगे थोड़ा, क्योंकि बस हो गया घर में बैठ बैठ के ना बहुत हो गया, अभी बाहर जाने का दिल कर रहा है अभी क्योंकि जब से लॉकडाउन खुला है तब से हम थोड़ा बाहर घूम ही रहे हैं। तो लेकिन ये सैटरडे संडे जब आता है ना इतना बोरिंग लगता है ना, बापरे। सैटरडे संडे अम्मी को मैंने कॉल की, वही मैं बता रही थी तो मुझे बोर हो रहा है ऐसे वैसे, तो वो भी उधर से बोलने लगे मेरे को तो बहुत बोर हो रहा है आज। तो आई क्यों नहीं, बोली हाँ नहीं पॉसिबल नहीं हुआ उनके काम के इससे। नहीं सैटरडे संडे लॉकडाउन इसको भी अभी ओपन कर देना चाहिए क्योंकि ये बंद रहने से ना बहुत ये हो रहा है क्योंकि लोगों को ऑफिस का कैसा रहता है, सैटरडे संडे को ही छुट्टी मिलती है तो यही टाइम थोड़ा बाहर घूमते हैं, करते हैं, फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। सैटरडे संडे अगर सब बंद होगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो जल्द से जल्द अच्छा होगा कि सैटरडे संडे पे भी सब ओपन हो जाए। हमें भी बाहर घूमना है, हम दोनों को भी जानना है क्योंकि जब से हमारी शादी हुई है तब से लॉकडाउन लॉकडाउन ही चला है। अभी फिलहाल तो कम हो रहा है बहुत यहाँ पे, तो अच्छा है अभी जल्दी जितना जल्दी होगा उतना जल्दी खुलेगा तो हम भी गाँव को जाएंगे। फिर बहुत जगह अपने जाना है, मैं बहुत लोगों से भी नहीं मिला मैं शादी, क्योंकि शादी के बाद फिर हम फरा के गाँव को भी नहीं गए, ना नगर को गए ना ही शिव गाँव को गए, वहाँ से बहुत लोगों को अभी मिलना है तो हुआ ही नहीं ये लॉकडाउन की वजह से। तो जैसे ही होगा अभी घूमने भी जाएंगे क्योंकि हमें दोनों को घूमने भी जाना है, हम कहीं गए भी नहीं, हमें या तो गोवा या तो हम हैदराबाद, दो में से कहीं एक जगह जाने वाले हैं। तो आप लोग ही बताओ हम कहाँ जाए, कौन सी प्लेस ऐसी अच्छी है बेस्ट होगा जहाँ पे जा सकते हैं। आपको किधर जाना है? मुझे तो पानी ज्यादा पसंद है तो मेरे हिसाब से तो मुझे गोवा जाना है, हैदराबाद में क्या करूँ मैं। हैदराबाद में भी अच्छा है, सिटी अच्छी है आपको देखने में। हाँ, अच्छा लेकिन क्या मुझे देखने में इंटरेस्ट नहीं, मुझे खेलने में इंटरेस्ट है। अच्छा तो ठीक है, देखते हैं अगर फरा को गोवा जाना है तो ठीक है फिर गोवा जाते हैं। फिर भी आप कमेंट में जरूर बताना कि हैदराबाद भी, मैं ऐसा बुरा नहीं बोल रही, हैदराबाद भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, पता है मैंने सुनी हूँ। दोनों जगह जाना है लेकिन अभी फिलहाल के लिए फर्स्ट कहाँ जाना वो डिसाइड हो रहा है, उसके बाद तो दोनों जगह भी जाना है, दोनों जगह भी मेरे को बहुत अच्छी लगती है। एक्चुअली मैं गोवा अभी तक गया नहीं हूँ सच बोले तो, हैदराबाद नहीं गई, हैदराबाद तो मैं बहुत बार जा चुका हूँ इसीलिए, लेकिन गोवा नहीं गया। तो सही बात है गोवा जाना चाहिए पहला, उसके बाद हैदराबाद जाते हैं। अलीबाग भी वैसे बुरा नहीं है, अलीबाग भी अच्छा है। हाँ ना, लेकिन अलीबाग में मैं बहुत बार गई हूँ, बहुत बार। हमारा तो जब भी ईद के बाद हम जब भी जाते थे ना तो हर बास ईद को हमारी फैमिली कहीं ना कहीं घूमने जाती थी, जाती ही थी हम लोग, हम और मेरे जो खाला है ना यहाँ पे रहते, हम लोग सब मिलके जाते थे। मेरी फैमिली हमेशा गर्मी के सीजन में या वाटर पार्क का टूर हम हमेशा रखते थे, वो भी अपना कैंसिल हो गया। पिछली बार जब लास्ट गए हम लोग फैमिली के साथ नहीं जाते थे वाटर पार्क को, फ्रेंड्स से जाते थे। हम फैमिली के साथ जाते थे, अक्लोज गया था मैं लास्ट, जो सातारा के पास है वहाँ पे, वहाँ का वाटर पार्क बहुत अच्छा है, वही लास्ट फैमिली के साथ में गया हूँ, उसके बाद तो कहीं मिला नहीं। एक मेरी शादी में पूरी फैमिली मिली थी, उसके बाद से तो अभी तक कोई फंक्शन हुआ नहीं है घर पे, अभी बहुत जल्द एक होने वाला है। हाँ होने वाला है घर पे एक फंक्शन, आपके घर पे। अच्छा मेरे घर पे। हाँ मेरे घर पे होने वाला है, देखते हैं अभी। तो चलिए आज का ब्लॉग हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, आई होप कि ये ब्लॉग जैसे बाहर जाके आया ना मैं, उसके बाद मैंने ब्लॉग कंटिन्यू किया ही नहीं, मैं वजह से बोला मेरे को भी बहुत बोर हो रहा था तो मैं भी आके ऐसे ही बैठा टाइम पास करते बैठा टीवी में, फिर ये अपने बाल का कुछ करते कर रहे थे, कलर विलर कर रहे थे अपने बाल का, तो फिर मेरे को वो भी शूट करने नहीं हुआ। इन्होंने मेरे को बोला भी क्या शूट कर सकते हो, बोला नहीं यार मेरे को बहुत बोर हो रहा है। तो
ऐसे करके ये अब भी ब्लॉग कंप्लीट कर रहे हैं हम रात के 10 बजे खाना भी ना खा के। बोला अगर अभी नहीं करेंगे तो कल वापस से ऐसा ही हो जाएगा और कल संडे संडे भी ऐसा ही जाएगा। लेकिन हमने डिसाइड किया है कि कल हम कहीं दिन भर बाहर जाएंगे भाई, क्या बोलते हो? दिन भर बाहर जाएंगे ताकि आज का दिन जैसे गया कल का ना जाए ऐसे। तो आई होप आपको ये वीडियो समीर का अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा ना, अकेले घूम के आए करके आए। अकेले कितने देर, एक घंटा भी नहीं गया होगा मैं ज्यादा से ज्यादा। कुछ नहीं होता तो चलो ठीक है, फिर भी गए तो सही है ना, अकेले तो सही है। अभी बीवी का टॉर्चर तो इनको थोड़ा सहना पड़ेगा बार बार। तो चलिए हमारे वीडियो को ढेर सारा लाइक कीजिए आप लोग भी, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिसने किया है उसको बहुत सारा थैंक यू। हमारे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फराह की लाइफस्टाइल भी है एक चैनल, वहां पे भी जाके सब्सक्राइब कीजिए, और इंशाल्लाह हम वहां पर भी जल्दी से वीडियो डालेंगे। तो अभी के लिए चलिए, अल्लाह हाफिज़, घर में रहिए, सेफ रहिए, दुआ में याद रखना।